क्वेश्चन है जो ना तो बहुत आसान है ना बहुत कठिन है। क्वेश्चन के लेवल से आप समझ जाएंगे कि यह क्वेश्चन का लेवल है क्या। इन द गिवन फिगर बिलो, फिगर आपके सामने है, ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ। एक यहाँ देखिए अननोन क्वांटिटी एक्स डिग्री दिया है, इनका वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब हमें ये थिंक करना है कि स्टार्ट कहाँ से करें, फ्रॉम वेयर आई शुड स्टार्ट, दिस शुड बी इन माइंड, ये होना चाहिए बच्चों के जेहन में। आप देखिए ये बता रहा है कि ये ए बी, ये ई एफ, ये सी डी सभी पैरेलल दिया है अकॉर्डिंग टू जो फिगर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। वैल्यू एक्स का फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूँगा, ये जो आप देख रहे हो ई एफ सी डी के पैरेलल और ई सी ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, हमें ई सी डी वहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। तो हेयर फ्रॉम गिवन फिगर, फ्रॉम गिवन फिगर, व्हाट गिवन, व्हाट इज गिवन, ई एफ पैरेलल सी डी एंड द ट्रांसवर्सल सी ई एंड ट्रांसवर्सल सी ई इंटरसेक्ट देम देम, दैट्स वाई क्या हो जाएगा, सी ई एफ एंगल सी ई एफ प्लस एंगल ई सी डी 180 डिग्री। जैसा कि आपने नाम सुना है को इंटीरियर एंगल्स, इसे ही कहते हैं एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। अब यहाँ सी ई एफ के लिए 130 को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं जो दिया हुआ है, ई सी डी फाइंड आउट करते हैं 180 डिग्री। यहाँ से ई सी डी का वैल्यू प्राप्त हो जाता है जो 180 में से 130 डिग्री माइनस करके 50 डिग्री प्राप्त किया। अब हमारे पास ए बी और सी डी पैरेलल है। नाउ सेकेंड स्टेप का वर्क है ए बी और सी डी पैरेलल है, अब बी सी ट्रांसवर्सल है एंड बी सी इज ए ट्रांसवर्सल, तो ए बी सी और बी सी डी दोनों इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बी सी डी में दो पार्ट है, एक बी सी ई और एक सी ई डी, सॉरी ई सी डी, ए बी सी 70 डिग्री है। यहाँ से बी सी ई को हम x डिग्री ले लेते हैं प्लस एंगल ई सी डी आपका आया हुआ 50 डिग्री है, ये 70 डिग्री। यहाँ से आप x डिग्री का वैल्यू 70 डिग्री में से 50 डिग्री को माइनस करके 20 डिग्री प्राप्त कर लेते हो। इन द गिवन फिगर, फिगर यहाँ दिया है ए बी और सी डी जो आप देख रहे हो ये पैरेलल है, जो एक्स अननोन क्वांटिटी है यानी एंगल बी ए ई, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर फिर से एक बार थिंक करते हैं, वंस अगेन वी शुड थिंक कि हाउ कैन यू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स डिग्री। तो आप एक्स डिग्री के लिए यहाँ कोई भी यूज नहीं कर सकते प्रॉपर्टी जो आप जान रहे हो, विदाउट कंस्ट्रक्शन यू कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हम क्या करेंगे कि ए बी और सी डी जो ऑलरेडी पैरेलल है थ्रू ई एक पैरेलल ड्रॉ कर देंगे। देखिए इस तरह से मैं पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ, इन्हें नाम दे देंगे एफ ई एफ। क्या लिखना है कंस्ट्रक्शन में, विदाउट कंस्ट्रक्शन यू कैन नॉट फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स डिग्री,
ओके थ्रू ई ड्रॉ ई एफ पैरेलल सी डी, ई एफ पैरेलल सी डी और सी डी ए बी के ऑलरेडी पैरेलल है। अब यहाँ से स्टूडेंट्स ये जो सी डी और ई एफ पैरेलल है उसका यूज करेंगे विथ ट्रांसवर्सल सी। नाउ सी डी पैरेलल ई एफ एंड विथ ट्रांसवर्सल सी, सी ई इज ए ट्रांसवर्सल। यहाँ से आप देखिए ये एंगल हमारा फाइंड आउट हो जाएगा, एंगल ई सी डी प्लस एंगल सी ई डी। जैसा कि आप सभी जानते हो कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री 180 डिग्री। आप शॉर्ट में इसको लिखो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल सी ओ इंटीरियर एंगल्स। ई सी डी के लिए आप देखिए 130 डिग्री गिवन एंगल का यूज करो, सी ई एफ सॉरी नॉट सी ई डी सी ई एफ, और यहाँ से सी ई एफ को एज यूजुअल छोड़ दो तो यहाँ से एंगल सी ई एफ आ जाएगा। 180 में से 130 डिग्री को माइनस करो 50 डिग्री आ जाएगा। अब हम ए बी और ई एफ पैरेलल लेंगे, ए बी और ई एफ पैरेलल। नाउ वी हैव ए बी पैरेलल ई एफ, तो यहाँ एंड ट्रांसवर्सल ए ई यूज करेगा एंड ए ई इज ए ट्रांसवर्सल, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा एंगल ई ए बी, एंगल ई ए बी प्लस एंगल ए ई एफ 180 डिग्री। वंस अगेन को इंटीरियर एंगल का यूज करेंगे, यहाँ से ये एक्स डिग्री है और ये देखिए ए ई सी जो 20 डिग्री है प्लस सी ई एफ जो हमारे पास में 50 डिग्री है, सी ई एफ इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स डिग्री प्लस ए ई सी। अब यहाँ से 20 डिग्री डालेंगे और प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो एक्स डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। ये 20 और 50 जो है वो 70 डिग्री हो जाएगा और 180 में से आप 70 डिग्री माइनस करोगे तो एक्स डिग्री आ जाएगा 110 डिग्री। और इस तरह से स्टूडेंट्स जो है आप एक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है, सारे प्रॉब्लम्स अभी तक पैरेलल लाइन से रिलेटेड है, ये भी उसकी कड़ी में एक है। गिवन फिगर में दिया हुआ है ए बी पैरेलल सी डी, ए बी सी डी ये पैरेलल है। प्रूव करना है बी ए ई एंगल, एंगल बी ए ई माइनस ई सी डी इक्वल ए ई सी। तो जस्ट वी हैव टू थिंक हाउ कैन दिस बी प्रूव्ड। और फर्स्ट ऑफ ऑल इसके रिलेशन से हमारे पास में कोई एक्स के फाइंड आउट सॉरी ये प्रूव करने का कोई जो है वे नहीं आ रहा है। हम यहाँ से कंस्ट्रक्शन डालेंगे, ये कंस्ट्रक्शन होगा ए बी सी डी के पैरेलल जो ई से जा रहा है, इनका ई एफ हम नेमिंग करें। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ई से होता हुआ ई एफ जो ए बी के पैरेलल है और ए बी पैरेलल है सी डी। अब यहां से स्टार्ट करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ए बी और ई एफ पैरेलल है, यहीं से देखिए ए बी ई एफ पैरेलल है और ए ई ट्रांसवर्सल है। ओके ए बी पैरेलल ई एफ,
देखिए यहाँ से ए बी पैरेलल ई एफ एंड ए इज ए ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल देयरफॉर क्या हो जाएगा, आप इसको अगर वन मान लो तो एंगल वन प्लस एंगल ई ए बी, एंगल वन प्लस और इसको आप टू मान लो तब तक के लिए, ओके तो एंगल वन प्लस एंगल ई ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो को इंटीरियर एंगल जिसका फुल फॉर्म है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ से देखिए हमारे पास में एक और पेयर एफ ई सी डी के पैरेलल है, इसको मैं इक्वेशन वन डाल देता हूँ। नाउ सी डी पैरेलल ई एफ एंड जो आपका ई सी है वो एक ट्रांसवर्सल इसके लिए दोनों के लिए है, ई सी इज ए ट्रांसवर्सल, इज ए ट्रांसवर्सल। तो यहाँ से आपका सी ई एफ प्लस एंगल ई सी डी, ई सी डी एंगल ई सी डी 180 डिग्री जो है को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। अब सी ई एफ वन प्लस टू में कन्वर्ट हो जाएगा, एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल ई सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए फ्रॉम वन एंड टू हमारे पास में राइट हैंड साइड में 180 है, तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू हमारे पास जो राइट हैंड साइड 180 है उसको लीव करेंगे, और जो लेफ्ट हैंड साइड वन प्लस ई ए बी है, एंगल वन प्लस एंगल ई ए बी ये इक्वल हो जाएगा वन प्लस टू प्लस ई सी डी, एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल ई सी डी। अब यहाँ से वन और वन कैंसिल हो जाएगा, एंगल ई ए बी इक्वल टू एंगल टू प्लस एंगल ई सी डी। तो हमें प्रूफ क्या करना है, बी ए ई, बी ए ई, बी ए ई, दैट मीन्स बी ए ई यही हो गया, एंगल बी ए ई इक्वल टू ओके और माइनस ई सी डी, ई सी डी माइनस कर दिया, इक्वल टू एंगल टू, एंगल टू के लिए हम ए ई सी लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज एंगल बी ए ई माइनस एंगल ई सी डी इक्वल टू एंगल ए ई सी। और इस तरह से हमने जो है क्वेश्चन नंबर थ्री को प्रूव्ड कर दिया। पैरेलल ई एफ एंड ए इज ए ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल देयरफॉर क्या हो जाएगा, आप इसको अगर वन मान लो तो एंगल वन प्लस एंगल ई ए बी, एंगल वन प्लस और इसको आप टू मान लो तब तक के लिए, ओके तो एंगल वन प्लस एंगल ई ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो को इंटीरियर एंगल जिसका फुल फॉर्म है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ से देखिए हमारे पास में एक और पेयर एफ ई सी डी के पैरेलल है, इसको मैं इक्वेशन वन डाल देता हूँ। नाउ सी डी पैरेलल ई एफ एंड जो आपका ई सी है वो एक ट्रांसवर्सल इसके लिए दोनों के लिए है, ई सी इज ए ट्रांसवर्सल, इज ए ट्रांसवर्सल। तो यहाँ से आपका सी ई एफ प्लस एंगल ई सी डी, ई सी डी एंगल ई सी डी 180 डिग्री
जो है को इंटेरियर एंगल्स, को इंटेरियर एंगल्स। अब सी ई एफ वन प्लस टू में कन्वर्ट हो जाएगा, एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल ई सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए फ्रॉम वन एंड टू हमारे पास में राइट हैंड साइड में 180 है, तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू हमारे पास जो राइट हैंड साइड 180 है उसको लीव करेंगे, और जो लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस ई ए बी है, एंगल 1 प्लस एंगल ई ए बी, ये इक्वल हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस ई सी डी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ई सी डी। अब यहाँ से 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, एंगल ई ए बी इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल ई सी डी। तो हमें प्रूफ क्या करना है, बी ए ई, बी ए ई, बी ए ई, दैट मीन्स बी ए ई यही हो गया, एंगल बी ए ई इक्वल टू ओके, और माइनस ई सी डी, ई सी डी माइनस कर दिया, इक्वल टू एंगल टू, एंगल टू के लिए हम ए ई सी लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज एंगल बी ए ई माइनस एंगल ई सी डी इक्वल टू एंगल ए ई सी। और इस तरह से हमने जो है क्वेश्चन नंबर 3 को प्रूव्ड कर दिया।